अगर आप जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो इन चार गलतियों को करने से बिल्कुल बचें। पहला ये कि कई कपल्स जो हैं जेल वगैरह का उपयोग करते हैं, है ना, जेल या फिर कोई भी लिक्विड उसका उपयोग करते हैं रिलेशन बनाते समय, तो इसका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्पर्म की क्वालिटी को घटा देता है ना, क्योंकि इनमें केमिकल होता है तो ये आपके स्पर्म की क्वालिटी को घटा देता है, स्पर्म डेड हो जाते हैं। तो कोई भी जेल वगैरह का उपयोग आप ना करें रिलेशन बनाते समय, जिससे कि जो स्पर्म की क्वालिटी है वो डिक्रीज हो सकती है, कम हो सकती है ना। तो इससे जेल वगैरह का उपयोग, कोई भी लुब्रिकेट आप कोई भी चीज़ें यूज कर रहे हैं उसका इस्तेमाल ना करें, है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, लंबे समय तक रिलेशन अवॉइड करने से बचना है, यानी कि कई कपल्स होते हैं जो लंबे समय तक रिलेशन नहीं बनाते हैं और सोचते हैं कि हम ओवुलेशन टाइम पे रिलेशन बनाएंगे तो इससे ज़्यादा प्रेग्नेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो स्पर्म है अगर वो ज़्यादा दिन तक अंदर रहेंगे तो उनकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है, तो इसलिए आपको लंबे समय तक रिलेशन अवॉइड नहीं करना चाहिए। डेली रिलेशन बनाइए, जो फ्रेश स्पर्म होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होती है, मुकाबले ज्यादा दिनों बाद आप रिलेशन बना रहे हैं उन स्पर्म की क्वालिटी के मुकाबले, जो डेली फ्रेश स्पर्म निकलता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, उसकी मोर्टिलिटी सही होती है। मोर्टिलिटी कम हो जाएगी अगर आप ज्यादा दिन बाद रिलेशन बनाएंगे ये सोच के कि ज्यादा अमाउंट में जो स्पर्म है वो निकलेंगे और अच्छी क्वालिटी के निकलेंगे, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर दिन रिलेशन बनाइए नहीं हो पा रहा है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन भी बना सकते हैं। तीसरा, आपको स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है, अगर महिला करती है तो उसको भी बचना है और पुरुष को भी नहीं करना है, क्योंकि आपके स्पर्म की क्वालिटी इससे काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। तो अवॉइड करें स्मोकिंग वगैरह जब भी आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। और नंबर फोर, आपको अपने जो ओवुलेशन डेज हैं उनको नहीं छोड़ना है, यानी कि जो फर्टाइल विंडो है आपका जब ओवुलेशन होता है उन डेट को आपको नहीं छोड़ना है, यानी कि उनमें जरूर से जरूर रिलेशन बनाना है, क्योंकि जो अंडा निकल के आता है वो 24-40 घंटे तक ही जीवित होता है। तो पीरियड डेट से 14 दिन माइनस कर लेने हैं और वहाँ पे आपका ओवुलेशन डेट निकल के आ जाता है, और ओवुलेशन ट्रैक करने के लिए किट भी आती हैं तो उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाता है हमारा ओवुलेशन कब होने वाला है। उससे भी एक सरल तरीका है, अगर आपको ये सब चीज़ें हार्ड लगती हैं, इजी नहीं लगता, तो आप हर दूसरे दिन रिलेशन बनाइए, पॉसिबल है तो हर दिन भी बना सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होती है स्पर्म की, तो उस टाइम बना सकते हैं, या फिर हर दूसरे दिन जरूर बनाइए। पीरियड जैसे ही खत्म हो जाती है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, रिलेशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए, हर दूसरे दिन या फिर हर दिन भी बना सकते हैं तो रिलेशन बनाइए, अगर आपको ओवुलेशन डेट नहीं पता चलता है तो। जो स्पर्म है वो 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, अगर आप हर दिन भी रिलेशन नहीं बनाएंगे तो वहाँ पे जो स्पर्म है वो 4 से 5 दिन तक, जैसे कि मैंने कहा, जीवित रहते हैं, तो वो जीवित रहने की वजह से अंडे को फर्टिलाइज कर देंगे और वहाँ से प्रेगनेंसी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन हर दूसरे दिन जरूर बनाइए, नहीं तो आपका जो ओवुलेशन का टाइम है वो मिस हो जाएगा, फिर आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आएगी। तो इन चारों पॉइंट को ध्यान रखना है, इन गलतियों को करने से बचना है। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।